अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों हमारी एक रिसर्च बेस्ड वीडियो के ऊपर एक तसलसल चलता आ रहा है और उस तसलसल के अंदर हमने बहुत से सवाल और बहुत सी क्वेरीज हमारे सामने आई लोगों की तरफ से, और लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर मॉडर्न और ट्रेडिशनल और एंशियंट कराटे को डिफाइन करके डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, लिहाजा आखिर ये एंशियंट मार्शल आर्ट अगर पिछले ज़माने की कदीम मार्शल आर्ट थी जो कि आज के ज़माने में नहीं देखी जा सकती, तो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कम से कम जापान में तो होती थी जिसको बाद में मॉडर्न के नाम से जो है मंसूब किया गया। तो दोस्तों आज एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन इस बात के लिए आपको मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो तीन तरीकों से हम तक पहुंची है। एक, हमें जिस ज़बान के बारे में नहीं पता, जिस ज़बान हमें नहीं आती उस ज़बान की तरफ से हमें पता चला। फिर हमें बताने वाले लोग या तो अंग्रेज थे तो वहाँ पे हमारी अपनी इंग्लिश और हमारी अपनी लैंग्वेज भी टकराती है। इंग्लिश फिर भी लोगों को अक्सर को समझ में आती है, लेकिन अक्सरियत ऐसे भी मास्टर हैं जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, लिहाजा सुनी सुनाई बात को और एक जापानीज की बात को जब अंग्रेज समझेगा तो ये वही मिसाल है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। फिर भी बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स मौजूद हैं जो जापानी ज़बान को जानते हैं, ओकिनावन चाइनीज ज़बानों को, दूसरी ज़बानों को जानते हैं, और वो उस ज़बान की बुनियाद पर चीज़ों को तहकीक करके पहुँच रहे हैं। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात पेश आई, जब मैंने ज़बान को सीखने की कोशिश की तो मुझे बहुत आसानी हुई। बात को पॉइंट की तरफ लेके आऊँगा कि जो ट्रेडिशनल कराटे है वो आपकी 1920s, 30s, 40s, 50s, 60s की दिहाई की हुई कराटे को नहीं कहते, बल्कि ट्रेडिशनल कराटे कदीम कराटे ही है। वो तकरीबन 400 सदी 300 सदी 100 सदी पे बुनियाद उसकी रखी गई है। मॉडर्न कराटे आप बैकग्राउंड में वीडियो भी देखते रहेंगे, ये वही मॉडर्न कराटे है जो मॉडिफाइड हुई, जिसको आप मॉडिफिकेशन कहते हैं। ये मॉडर्न मॉडिफिकेशन को ट्रेडिशनल का नाम जापान में दे दिया गया, जबकि ट्रेडिशनल इससे पहले ये नहीं की जाती थी। कदीम रिवायती कराटे है। रिवायत का मतलब क्या होता है, यानी रिवायत जो सदियों से चलती हुई आ रही हो, कम से कम 100 साल से चलती हुई आ रही हो। ये वो कराटे जो 1930s, 40s और 70s की दहाई में पेश की गई दुनिया के सामने, ये ट्रेडिशनल रिवायती कराटे नहीं है। ये तो खुद नई कराटे मॉडर्न कराटे है। ये मॉडर्न कराटे थी, इसी मॉडर्न कराटे को मजीद मॉडिफाई किया गया। वो लफ्ज कहा जाता है कि कराटे को मॉडिफाई किया गया, कराटे को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया और पुराने तरीकों को ख़त्म किया गया, नई जिद्दत लेके आया। ये बहुत ही गलत और एक गलत पहलू पेश किया गया है, ख़ासतौर पर दो लोगों की तरफ से, एक वो जो इस चीज़ का इल्म ही रखते थे और दूसरा वो जो गलत पहलू को पेश करके अपने मकासद को पूरा करना चाहते थे। बात को कंपाइल करते हुए समझाना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल कराटे है वो बेसिकली सदी पुरानी कराटे कम से कम होनी चाहिए, जो रिवायती कराटे जो पिछले ज़माने की चलती आ रही है उससे मुंसलिक एक तरीक़ेकार को मंसूब किया जाएगा। इस ट्रेडिशनल कराटे को पहले किया जाता था, आज भी इसको माना जाएगा, आइंदा भी इसको माना जाएगा। इसे मानने वाली एक रिवायती लोग कौम या किसी भी किस्म की एक तादाद हमेशा इसको मानती आई है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल कराटे, रिवायती कराटे। लेकिन मॉडर्न कराटे जो होती है मॉडिफाइड होती है, मॉडिफाइड की वजह से उसको मॉडर्न कहा जाता है। तो ये वो मॉडर्न कराटे थी जिसको ट्रेडिशनल बताया गया। सो लिहाजा अपने दिमागों से ये बात निकाल दीजिए कि क्योकुशिन कराटे जो है वो ट्रेडिशनल कराटे है, JKA कराटे जो अपने साथ दिखती है ट्रेडिशनल कराटे, वो ट्रेडिशनल कराटे है। ये ट्रेडिशनल कराटे नहीं है, बल्कि ये मॉडिफाइड मॉडर्न कराटे इसी को कहते हैं। यही है मॉडर्न ज़माना, इसी मॉडर्न ज़माने को जिद्दत पे लेके आए, पिछली असली कराटे को जिद्दत पे लेके नहीं आए। उसको तो सीख नहीं सके ये जितने भी लोग आज कराटे को पेश करते हैं, ये मुकम्मल सीख ही नहीं सके। आप जिसकी भी जापानी कराटे के उस्ताद को उठा के देखेंगे, कोई भी चाइनीज और जापानी से नहीं, ओकिनावन से नहीं सीखा हुआ। इसलिए इन तमाम चीज़ों के अंदर जो रिवायती कराटे है वो पीछे ही रह गई है, वो एक अपने तरीके पे दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल होती है, प्रैक्टिस की जाती है, करोड़ों खरबों लोग उसके फॉलोअर्स हैं दुनिया भर के अंदर, और ओकिनावा तो उस रिवायती ट्रेडिशनल कराटे का बानी है। लिहाजा ओकिनावा के अंदर जो कराटे सिखाई जाती है आज भी वो ट्रेडिशनल ही है। वो कभी भी स्पोर्ट्स को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर सके, मॉडर्नाइजेशन को पसंद नहीं करते। मॉडर्न चूंकि मॉडर्न नाम से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मॉडर्न बेसिकली मॉडिफाइड है। अब मॉडिफाइड क्या है, हमें वो चीज़ अगर नहीं आती तो हमने उसको अपने तरीके से दूसरी किसी फंडामेंटल से अपनी उसकी अप्रोच से इस अप्रोच को मिला के एक नई तख्लीक कर ली,
और उसको हमने कह दिया मॉडिफिकेशन मॉडर्न कराटे। ये मॉडर्न कराटे जब आज के जमाने में आई तो ये मॉडर्न कराटे आपको वोको के अंदर ही मिलती है, ये मॉडर्न कराटे आपको WKF के अंदर ही मिलती है। ये वो मॉडर्न कराटे का तसलसल 1950 से शुरू हो चुका था और ये कंपटीशन वगैरह आप देखते हैं ये वही बेसिकली मॉडर्न कराटे है। ट्रेडिशनल कराटे के अंदर इस तरह के मुकाबले नहीं होते, ट्रेडिशनल कराटे के अंदर मुकाबलों का तसलसल एक अलग तसलसल है और इसी से बुदो जो एक रिवायती एक कल्चर है जापान के अंदर ओकिनावा के अंदर, तो जापानीज इसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो वो भी उसके अंदर मंसूब किया जाता है। लिहाजा आपने इसी कहानी के साथ एक और कहानी भी सुनी होगी क्योंकि आज हम गिचिन फनाकुशी से लेके जब आए हैं तो हम गिचिन फनाकुशी के उन शागिर्दों को जिन्होंने अपने स्टाइल्स बनाए और जिन्होंने अपने नाम को दुनिया भर में फैलाया उनसे भी हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी क्योंकुशिन कराटे बनी वो 1960s की दहाई में बनी जब कोरिया के अंदर जड़ा चाओ ने जो कि ताइक्वांडो के फाउंडर थे उन्होंने मासोयामा को कोरियन होने की वजह से वहाँ इन्वाइट किया। बैकग्राउंड पे आप तस्वीर भी देखेंगे और उन्हें कहा कि आप ताइक्वांडो हम यहाँ पे एक लॉन्च करने वाले हैं, एक नया कोरियन आर्ट हम जो है एक कोरियन रिवायती अंदाज को पेश करेंगे, इसके अंदर आप हमारा सपोर्ट बने हमारे साथ मिले और ताइक्वांडो को प्रमोट करें। तो चूंकि मासोयामा ने खुद शोटोकान जो है नाकायामा और गीकू फनाकुशी के ज़ेर निगरानी कुछ अर्से सीखी थी और उसमें कोई ऐसी खास डाउनग्रेडिंग मंजिल यहाँ पे आज तक नहीं है, ना ही मासोयामा की किसी फैमिली के पास वो डाउनग्रेडिंग है। बहरहाल वो शोटोकान सीखे ये बात सच है और फिर वो सीखने के बाद उन्होंने गीकू फनाकुशी और गीकू फनाकुशी के इंतकाल के फौरन बाद क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त 1924 के अंदर उनकी पैदाइश हुई है और 1930s में शोटोकान लॉन्च हुई है। तो सोचे गीकू फनाकुशी और गिचिन फनाकुशी जो कि तोमिनिकोशी इनका असल नाम है उनसे कितने छोटे होंगे, क्या उम्र होगी। तो आप उम्र से तकाजा और अंदाजा लगा सकते हैं कि मासोयामा की जो हिस्ट्री है कराटे की वो क्या हो सकती है। एनीवेज एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, एक हैवी बॉडी पर्सन था, ये उस जमाने में ये हैवी बॉडी मंजर आम पर मशहूर हुई जब जापानी हो कि ना वालों चीनी छोटे छोटे कद के मंजर आम पर आपको ज़्यादा दिखेंगे। कोरियन बर्थ होने की वजह से कोरिया की पैदाइश होने की वजह से मासोयामा की जो बॉडी थी वो हैवी थी, थोड़ी सी बड़ी थी तो उसका एक रोल दबदबा ज़रूर था लेकिन बहुत सारी चीज़ों को खुद मनगढ़ंत अंदाज में पेश किया गया जिसमें सबसे पहले ये कि मासोयामा जो है वो शोटोकान सीखे गिचिन फनाकुशी से, जी बिल्कुल नहीं सीखे, वो गीकू फनाकुशी उनके बेटे और नाकायामा के अंडर में कहीं सीखे थे। उसके बाद उनके इंतकाल के फौरन बाद उन्होंने स्टाइल को चेंज किया और चेंज करने के बाद वो गोजो काई गोजो रियो नहीं गोजो काई यामागुची के पास उन्होंने सीखना शुरू किया और फिर तारीख के अंदर उनकी हिस्ट्री के अंदर ये बात शामिल की गई है कि वो चाइनीज़ मार्शल आर्ट भी सीखे हुए थे, वो फला मार्शल आर्ट भी सीखते थे, वो बॉक्सिंग भी सीखते थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जबकि उनकी लाइफ का जो टोटल टाइम है 1924 से उनकी पैदाइश से आप लगा लें 1960 में क्योंकुशिन पैदा हुई है तो इतने अरसे में वो ब्लैक बेल्ट भी हो गए, वो ग्रैंड मास्टर भी हो गए, वो क्रिएटर भी हो गए, फाउंडर भी हो गए, वो क्योंकुशिन बनाने के काबिल भी हो गए और विदाउट एनी चैंपियनशिप एनी विनिंग टूर्नामेंट वो एक दुनिया भर के अंदर मकबूल हो गए। तो ये किस्मत की बात होती है, शाहरुख खान जैसे कि मकबूल हैं अगर वो आज एक किक मारेंगे तो लोग उनकी कॉपी को किक करेंगे और शायद उनको कह दिया जाएगा कि वो भी कराटे वाले हैं। एनीवेज शाहरुख खान को मासोयामा से नहीं मिलाऊंगा, ये एक बहुत बड़ा किरदार है कराटे के अंदर आज के ज़माने के लिए। तो हम बात को उस पॉइंट की तरफ कहेंगे वो जो चाइनीज़ बंदा था और वो उस बंदे का नाम आप अगर गूगल पे भी लिखेंगे मेरी बैकग्राउंड पे भी दिखाता रहूँगा मैं तस्वीर नाम के साथ गूगल की इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो बेसिकली कोई चाइनीज़ मास्टर नहीं था, वो चाइनीज़ बंदा था और वो चाइनीज़ बंदा चाइना में कुंग फू नहीं सिखा रहा था। मासोयामा ने चाइनीज़ जो लिखा ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात, अगर मासोयामा ने लिखी है तो झूठ लिखी है और उसे किसी फॉलोवर ने लिखी है तो ये मोहब्बत में उसने एक बिदात को या वे कह लेंगे एक शख्स परसी को देखते हुए हर खबर को फैलाया। वो चाइनीज़ मार्शल आर्ट नहीं, वो चाइनीज़ बंदा था, ये वही बंदा था जो यामागुची का चीफ इंस्ट्रक्टर था, यामागुची के क्लब में कराटे को टीच करने का सेंसी था जो कि बेसिक क्लास को लिया करता था और यही वो बंदा था जो कि मासोयामा का टीचर था। चूंकि वो चाइनीज़ था तो चाइनीज़ से मुंसलिक करके उसको चाइनीज़ कराटे का चाइनीज़ मार्शल आर्ट का भी प्रैक्टिशनर बना दिया गया और यहाँ पे शोटोकान का भी प्रैक्टिशनर बना दिया गया, यहाँ पे गोजुरू का भी बना दिया गया। टोटल 6 से 7 साढ़े 7 महीने का ये टोटल फ्रेम टाइम है जो कि मासोयामा गिचिन फनाकुशी की उस डूजो के अंदर ट्रेनिंग करे और उसके बाद वो ट्रेनिंग का वक्त भी ख़त्म हुआ। किसने टेन डान की डिग्री मासोयामा को दी?
ना ही ये मंजर-ए-आम पे कोई शख्स बता सका, ना ही उसकी औलादों में से किसी के पास ये जवाब है, और ना ही दुनिया में किसी भी मास्टर के पास इसका कोई जवाब होगा। याद रखिएगा, जो शख्स कराटे के अंदर ये किसी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है वो ग्रैंड मास्टर नहीं, वो क्रिएटर होता है। ग्रैंड मास्टर किसी एक स्टाइल के अंदर बहुत सारे मास्टरों का जो टॉप लेवल का वाहिद मास्टर होता है उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। लेकिन क्योंकुशन मास्टरों की अपनी बनाई हुई एक सिस्टम, एक स्कूल था, जो कि पहले ही मैंने कहा था कि कान स्कूल को जगह को कहते हैं, ना कि स्टाइल को कहते हैं। यही वजह थी कि एक मनगढ़ंत कहानी को बनाकर पेश किया गया। आपने देखा होगा कि एक चौप मार के एक बैल के सिंह को उड़ाया गया है। चैंपियन ऑफ डेथ 1970s की सोनी शिवा इसमें हीरो थे, और उस स्टोरी को, उस फिल्म को बनाकर माँ सोयामा के पास उन्होंने सीखा भी, और माँ सोयामा के वो स्टूडेंट भी थे। तो माँ सोयामा की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उनके मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो फिल्मों के अंदर या तो डायरेक्टर या फिल्म के अंदर एक्टर आए, और उन्होंने अपनी ट्रिब्यूट किया, अपने टीचर के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई और मंजर-ए-आम पे माँ सोयामा के नाम को फैलाया बहुत जल्दी फिल्मों के जरिए, क्योंकि उस वक्त मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा फैली है। रूसी भी फिल्मों के जरिए पहला था, मशहूर हुआ था, वरना उसको उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। ऐसे ही माँ सोयामा का नाम फिल्मों के जरिए बेहतरीन तरीके से नुमाया हुआ। दोस्तों, मनगढ़ंत कहानियाँ बहुत है, सबूत किसी का कुछ भी नहीं है। हम रिसर्च पेश करते हैं। रिसर्च पेश करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने शहर में बैठे गूगल इंसाइक्लोपीडिया पर टाइपिंग की और सर्चिंग की और जो आपने सामने आया निकाल दिया, जाकर विजिट किया, किसी फल खुशी की फैमिली से मुलाकात की, माँ सोयामा के खानदान वालों से मुलाकात करने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ों के अंदर कंसेप्ट सामने आए, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया। आज उनकी बेटी भी, आज उनका एक घराना एक सिस्टम के जरिए बहुत पैसा भी कमाता है, अर्निंग भी होती है, लेकिन शुतोकान की तरह क्योंकुशन भी आज टुकड़ों में तब्दील हो चुका है। हर मास्टर की अपना स्कूल है, अपना निज़ाम है, और उसके लड़ने का अपना अलग तरीका है। ख़ास एक बड़े मास्टर जिनके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर क्योंकुशन आई, और बड़े बड़े मास्टरों को उन्होंने सिखाया, बहुत बड़ा मशहूर नाम है। जब हम मलेशिया की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हम क्योंकुशन को देखते हैं, आप बैकग्राउंड पर देखते रहिएगा, मैं नाम यहाँ पर शेयर करूँगा, बोलूँगा तो शायद बुरा लग जाए, लिहाजा पीछे पीटर चोंग के नाम से जो मास्टर थे उन्होंने अपने क्योकुशन कान को चेंज करके, क्योकुशन कान को चेंज करके रियू कर दिया है। अब वो जो सिखा रहे हैं वो क्योकुशन रियू सिखा रहे हैं। बहुत सालों बाद ये ख्याल आया कि कान तो जगह को कहते हैं, लिहाजा मुझे भी चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने सेम पुरानी क्योकुशन को उन्होंने क्योकुशन रियू कर दिया। अब ये सोचें कि जो चीज़ की बुनियाद पहले बना चुके हैं, पहले ही उसको तैयार कर चुके हैं, आज उसको कान से रियू कर दिया। आपको ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो रियू, ये तो कान है, अब तो नाम रख दिया रियू, तो रियू नाम लिखने की वजह से वो कान जो है वो कान नहीं ख़त्म हो जाएगा। फंडामेंटल्स वही हैं जो आपकी पहले की हैं। फंडामेंटल्स क्या हैं? शोतोकान गोजोकाई, असली गोजोरू भी नहीं है, असली शोतोकान भी नहीं है, क्योंकि शोतोकान गिशे फनाकुशी ने नहीं सिखाई, ये तो बाद में बनी है। गिशे फनाकुशी ने कराटे सिखाई और वो डिफरेंट वे था। एनीवेज, मैं अपनी बैकग्राउंड की वो बहुत सारी चीज़ों को शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोग मेरी बातों को सुनते रहें, बैकग्राउंड पर उसको देखते रहें, सवाल भी आपकी तरफ होंगे। जो जीनियस लोग हैं, ये इल्मी बुनियाद रखने वाले लोग ही के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जो नुक्ता नज़र के लिए छोटा दिमाग रखते हैं, छोटी नज़र रखते हैं और दिल उससे भी छोटा रखते हैं, यकीन माने कि इल्म उनके पास इसलिए नहीं ठहरेगा क्योंकि गिलास जब खाली होता है तो उसमें कुछ भी आ सकता है, गिलास को फुल कर दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं आता। लिहाजा मेरी वीडियो आपके लिए शायद थ्रेड हो, शायद ये इन्फॉर्मेटिव हो, सवाल आपकी तरफ से, जवाब दे, सबूत दलाइल मेरी तरफ होंगे। जो जितनी बार सवाल करेगा तो मैं उसको जवाब देने का कायल हूँ और मैं उसको बेहतरीन तरीके से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि जो ये मास्टर तो स्टाइल्स हैं ये अच्छे नहीं हैं। हर वो चीज़ जो हेल्दी एक्टिविटी के लिए है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन देखें जिस तरीके से हमें खाना खाना सिखाया गया है, मिसाल के तौर पर खाने को चबाना है, उसको बिल्कुल गलाना है और फिर चबा के बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ साथ चबा के फिर उसको निगलना है और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ अलहंदो भी पढ़नी है, तो उसके बाद हम क्या खा रहे हैं वो भी ये बात आती है सामने। इसी तरह फिर एक निज़ाम कायम होता है पेट के अंदर, वो खाना हजम भी होता है, लाइफ को भी थ्रेट नहीं होती। सेम लाइक स्टाइल अगर हम गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, फंडामेंटल्स को चेंज कर देंगे जिस तरह बनाई गई थी उसको वैसे नहीं बल्कि उसको नए मॉडर्न के तरीके से करेंगे, तो फिर हमें वो स्टाइल को चेंज कर देना चाहिए, वो स्टाइल छोड़ देना चाहिए, मॉडर्न नाम के साथ मॉडर्न काम करना चाहिए। माँ सोयामा स्ट्रांग होने के बावजूद कैंसर के मर से मरे, गिचिन फनाकुशी भी बीमार थे, बीमार रहे, बीमार होके मर गए।
उनका बेटा दिल में छेद था, कराटे करने से कहते हैं कि दिल जबरदस्त रहता है, स्टेमिना आ जाता है, स्पीड के साथ आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनको भी कैंसर हो गया, सॉरी दिल में छेद का मसला आ गया। सांसों के मसाइल के बहुत सारे मास्टर मरे हैं, बहुत सारे लोग, लंग्स कैंसर था मासोयामा को, बहुत सारी वजूहत होती है, ब्रीदिंग की सबसे बड़ी वजूहत होती है। मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा इस वाले काते को, सचिन काता, ब्रीदिंग काता, बहुत गलत तरीके से काते किए जाते हैं, बहुत गलत तरीके से, आज से नहीं पुराने जमाने से जब काते यहाँ पे कराए जाते हैं बहुत गलत तरीके से काते किए, ना क्योंकुशन में ऐसे काते कराए जाते हैं, ना शोतोकान में, ना गोजोरियो में। शोतोकान के सारे काते ओकिनावा से लिए गए, क्योंकुशन के सारे काते शोतोकान और गोजोकाई में से लिए गए, कोई भी काता अपना नहीं है। फिर भी ये लोग क्रिएटर, ग्रैंड मास्टर, बानी, ये तमाम नामों से मंसूब कर दिए गए। वो लोग जिनसे ये स्टाइल आया बना उनका नामो निशान नहीं है। कहते हैं कराटे देर इज नो फर्स्ट अटैक इन कराटे, और ये बड़ा मकबूल है गिजो फनाकुशी का, लिहाजा ये अल्फाज, ये जबरदस्त कोट भी जो है किसी और बात से मंसूब करके कही गई, जो कि गिजो फनाकुशी ने नहीं की बल्कि एक और मास्टर ने की। मेरी अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी कि वो किस मास्टर की तरफ से सारी चीजें आई। गिजो फनाकुशी ने आकर जापान में जो कराटे को इंट्रोड्यूस करवाया, ये एक लफ्ज ऐसा बड़ा गलत बोला जाता है, जापान में कराटे को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, जापान के स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एज अ टीचर उन्होंने कराटे को प्रमोट करने की कोशिश की और अच्छे तरीके से इस पर काम कर सके, क्योंकि सपोर्ट गवर्नमेंट की थी। वो स्कूलिंग कैरिकुलम कहाँ से आया? वो स्कूलिंग कैरिकुलम भी किसी और मास्टर का ओकिनावा से लेके आए और यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। गिजो फनाकुशी का अपना कुछ नहीं था, मासोयामा का अपना कुछ नहीं था, वादो युगे बानी का अपना कुछ नहीं था, यामागुची गोजो काई के जो बानी है उनका भी, जिनके बाल लंबे लंबे, जिनको यामागुची द कैट, बिल्ली के लकब से पुकारा जाता था, उनका भी अपना कोई हसब नसब नहीं था। पिछली कराटे को ही तब्दील करके यहाँ पे ये तमाम स्टाइलों को मंजर आम पे लाकर प्रमोट किया गया। होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बड़ी करामत होगी, हो सकता है ये थ्रेड हो आपके लिए। मैं सबूत के साथ पीछे बैकग्राउंड पे अपने दोनों तरफ इसको जो है कोशिश करूँगा कि समझाने के लिए आपको कोशिश करूँ, और यकीन माने कि तनकीद बनाए तनकीद कभी इसलाह नहीं हो सकती, तनकीद बनाए इसलाह पे इसलाह हो सकती है। मेरी कोशिश आपकी इसलाह नहीं बल्कि सबसे पहले अपनी इसलाह, अपने दोस्तों की इसलाह, मार्शल आर्टिस्ट की इसलाह, और जो चाहे उसके लिए इसलाह है, जो ना चाहे उसे तो खुदा भी हिदायत नहीं देता, मेरी क्या औकात। लिहाजा मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन इंफॉर्मेटिव उसके साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम।